नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की आने वाली 8 बड़ी फिल्मों के बारे में। जी हां दोस्तों, इस समय कियारा आडवाणी की काफी बड़ी बड़ी एक्शन और रोमांटिक फिल्में आने वाली हैं, जिन्हें पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तू जो करना चाहता है तू कर, जितना टाइम लेना चाहता है ले, मैं तेरा वेट करती रहूंगी, तुझसे प्यार करती रहूंगी। नंबर 1, गेम चेंजर। ये एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी एक ऑनेस्ट और सिंसियर आईएएस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती दिखाई जाएगी, जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम से लड़ता हुआ दिखाई देगा। इसे डायरेक्शन दे रहे एस शंकर, जो से पहले रोबोट और आई जैसी कमाल की एक्शन फिल्में बना चुके हैं। इसमें हमें मेगा स्टार रामचरण, कियारा आडवाणी, एसजे सूर्या, अंजलि, प्रकाश राज और भी बहुत सारे कलाकार सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। ये इंडियन सिनेमा की काफी बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें रामचरण करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसे 300 करोड़ के हाई बजट पर बनाया गया है, जिसे 20 दिसंबर 2024 को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 2, बॉर 2। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जो 2019 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर का सीक्वल होने वाला है। इसे डायरेक्शन दे रहे अयान मुखर्जी, जो इससे पहले ब्रह्मास्त्र जैसी तगड़ी एक्शन फिल्म बना चुकी है। इसमें हमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगी। इसके अलावा इसमें जॉन अब्राहम और शाहरुख खान स्पेशल कैमियो में नजर आने वाले हैं। ये स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन बहुत ही तगड़े लेवल पर एक्शन करते दिखाई देंगे। इसे 300 करोड़ के हाई बजट पर बनाया गया है, जिसे अगस्त 2025 में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग बॉर 2 फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 3, मिस्टर लेले। ये एक बड़ी कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी एक मराठी एनआरआई के इर्द गिर्द घूमती दिखाई जाएगी, जो 48 घंटों में जेल पहुंच जाती है। इसे डायरेक्शन दे रहे शशांक खेतान, जो इससे पहले बद्रीनाथ की दुल्हनिया और गोविंदा नाम मेरा जैसी कमाल की कॉमेडी फिल्में बना चुके हैं। इसमें हमें विक्की कौशल, कियारा आडवाणी, भूमि पेड़नेकर और अभिषेक बैनर्जी मेन लीड में नजर आएंगे। मिस्टर लेले बहुत ही यूनिक और डिफरेंट कॉमेडी वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें विक्की कौशल और कियारा आडवाणी फुल कॉमेडी अंदाज में नजर आएंगी। इसे प्रोड्यूस किया करण जौहर ने और इसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। इसे इसी साल 2024 के लास्ट में रिलीज किया जा सकता है। हम लोग कोरियोग्राफी, जैज, साल्सा, हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग सब कुछ करते हैं सर। क्या मेनू आने का है? नंबर 4, डॉन 3। ये एक बिगेस्ट एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से इसके दूसरे पार्ट की खत्म हुई थी। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं फरहान अख्तर, जो डॉन 1 और डॉन 2 को भी डायरेक्शन दे चुके हैं। इसमें हमें रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी मेन लीड में नजर आएंगी। रणवीर सिंह पहली बार डॉन के रोल में नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि पब्लिक रणवीर सिंह को डॉन के रोल में एक्सेप्ट करती है या नहीं। फरहान अख्तर डॉन 3 को काफी बड़े स्केल पर बनाने वाले हैं, जिसमें बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। अभी ये फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है, जैसे ही इसका प्री प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा वैसे ही ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। पर पकड़ पाया है मुझको कौन? मैं हूं डॉन। नंबर 5, स्पिरिट। ये एक हार्डकोर एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी एक ऑनेस्ट और सिंसियर पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती दिखाई जाएगी। इसके डायरेक्टर और राइटर है संदीप रेड्डी वांगा, जो इससे पहले एनिमल जैसी तगड़ी एक्शन फिल्म बना चुके हैं। इसमें हमें डार्लिंग प्रभास, नैन तारा और कियारा आडवाणी मेन लीड में नजर आएंगी और इसके अलावा इसमें कोरियन एक्टर मॉ डोंग सियोक मेन विलन के रोल में नजर आएंगे। ये बहुत ही तगड़ी एक्शन फिल्म होगी, जिसमें प्रभास एक सनकी पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। इसकी शूटिंग अक्टूबर से शुरू की जाएगी और इसे 2026 में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। एक्शन पापा, 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 पापा। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं।
नंबर 6, कियारा आडवाणी की अगली फिल्म डायरेक्टर शशांक खेतान के साथ होने वाली है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी मेन लीड में नजर आएंगी। इसे प्रोड्यूस किया करण जौहर ने और इसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। अब इसका प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। जैसे इसका प्री प्रोडक्शन का काम खत्म हो जाएगा वैसे ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। नंबर 7, कियारा आडवाणी की अगली फिल्म बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ होने वाली है। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म होगी जिसे संजय लीला भंसाली काफी बड़े स्केल पर बनाएंगे। इसमें हमें विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और नयनतारा मेन लीड नजर आएंगी। अभी इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, जब इसकी अनाउंसमेंट होगी तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नंबर 8, कियारा आडवाणी की अगली फिल्म डायरेक्टर विष्णु वर्धन के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, विष्णु वर्धन वही डायरेक्टर है जो इससे पहले कियारा आडवाणी के साथ शेरशाह जैसी कमाल की पैट्रियोटिक फिल्म बना चुके हैं। ये एक बड़ी क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी जिसकी कहानी एक रूथलेस गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूमती दिखाई जाएगी। इसमें हमें कियारा आडवाणी, नितिन धीर, अनुपम खेर और सुचित्रा कृष्ण मूर्ति मेन लीड नजर आएंगी। इसे प्रोड्यूस किया करण जौहर ने और इसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। ये फिल्म भी अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। जैसे इसका प्री प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा वैसे ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कियारा आडवाणी की आने वाली 8 बड़ी फिल्में। आप लोग इनमें से कौन सी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और ऐसी आने वाली फिल्मों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।